तो भाई इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना पर्सनल नंबर यूज़ किए बिना व्हाट्सअप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, मतलब कि यूएसए नंबर का यूज़ करके किस तरीके से व्हाट्सअप अकाउंट बनाना है, इसी का ट्यूटोरियल इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। और इस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका था काफ़ी टाइम पहले, उस वीडियो में काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ भी आए, मगर वो मैथड फिलहाल काम नहीं कर रहा। और फिलहाल मैं जो मैथड बताने वाला हूँ वो बिल्कुल 100% काम करता है। मगर भाई उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तो चलिए आप चलते हैं अपने लैपी के स्क्रीन पे, साथ ही मैं अपना मोबाइल स्क्रीन भी दिखा दूंगा, और मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन दोनों का यूज कर रहा ताकि आप लोगों को समझने में काफी ज्यादा इजी हो। तो चलो चलते हैं अपन मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि ये मेथड आखिरकार आपको किस तरीके से ट्राई करना है। तो यहाँ आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइड मेरा लैपटॉप का स्क्रीन शो कर रहा है और दूसरी तरफ मेरा मोबाइल का स्क्रीन शो कर रहा है। और मोबाइल का स्क्रीन मैं इस साइड इसलिए रखा हूँ क्योंकि मोबाइल का भी कुछ काम है, तो उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा कि आपको फिलहाल करना क्या है। और हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला कि ये ट्रिक आखिरकार किस तरीके से काम कर रहा। तो चलो आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। और यहाँ पे मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि आप जो ट्रिक मैं अपने लैपटॉप में कर रहा हूँ उसे आप अपने क्रोम ब्राउजर में भी कर सकते हो, मतलब कि स्मार्टफोन के क्रोम ब्राउजर में भी कर सकते हो। तो मैं लैपटॉप में ट्राई कर रहा हूँ, आप अपने स्मार्टफोन में ट्राई कर लेना क्रोम ब्राउजर में। सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना, उसके बाद आपको गूगल में टाइप करना है सोनीटेल, और सोनीटेल सर्च करने के बाद आपके पास जो पहला वाला वेबसाइट होगा यहाँ पे, ये वेबसाइट जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपके पास वेबसाइट कुछ इस तरीके का खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे में यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है गेट इट नाउ, तो आपको यहाँ पे गेट इट नाउ पे क्लिक कर देना है। और गेट इट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको नंबर सेलेक्ट करना है, मतलब कि यहाँ पे आपको वो नंबर लेना है जिस नंबर से आप व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे आपको नंबर लेना है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि आपको करना क्या होगा। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट, तो इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। इसके नीचे में आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है फिलाडेल्फिया, तो इसको चेंज करके आपको फोनिक्स कर देना है, क्योंकि फोनिक्स का जो भी नंबर अवेलेबल होता है ना वो सारे नंबर व्हाट्सएप में अवेलेबल है, मतलब कि कोई भी नंबर आपको बैन नहीं मिलता है, मतलब ज्यादातर नंबर जो है वो अवेलेबल है व्हाट्सएप पे, इजीली व्हाट्सएप क्रिएट जो है वो हो जाएगा आपका यूनाइटेड स्टेट के नंबर से। तो यहाँ पे हम लोगों ने फोनिक्स सर्च कर लिया, इसके बाद आपको नीचे में एक नंबर दिखेगा। तो अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा, आपको अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पे जाना है और व्हाट्सएप पे चेक करना है कि ये नंबर आखिरकार व्हाट्सएप में अवेलेबल है कि नहीं, मतलब कि क्या यह नंबर बैन है या फिर यह नंबर यूज तो नहीं है, ये सारी चीजें आपको चेक करना है। तो किस तरीके से चेक करना है वो मैं आपको दिखा दे रहा। तो यहाँ पे ये जो नंबर है इसे हम अपने WhatsApp में डालेंगे। तो सबसे पहले मेरे मोबाइल के स्क्रीन में आप देख सकते हो कि यहाँ WhatsApp दिख रहा होगा, तो चलो हम WhatsApp को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने मोबाइल स्क्रीन में WhatsApp को ओपन कर चुके हैं और यहाँ पे हम अब ये नंबर को डालेंगे और चेक करेंगे कि ये नंबर आखिरकार WhatsApp में अवेलेबल है कि नहीं है। तो इस नंबर को यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, चलो 480569 1564, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कनेक्टिंग बता रहा, और हाँ यहाँ पे आप देख लो कि ये नंबर जो है वो व्हाट्सएप में अवेलेबल है, और व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं रहता तो ये बैन बताते, या फिर किसी और नंबर किसी और स्मार्टफोन में अगर यूज़ हो रहा है तो यूज्ड बताता, लेकिन ये नंबर फिलहाल व्हाट्सएप में अवेलेबल है, और मतलब कि इस नंबर से हम फिलहाल व्हाट्सएप अकाउंट बना सकते हैं यूएसए नंबर का यूज़ करके। तो फिलहाल यहाँ पे एडिट कर देते हैं क्योंकि ये नंबर अभी हमें पूरा तरीके से नहीं मिला है। तो अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा। तो फिलहाल फिर से हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाते हैं, और फिर आपको यहाँ पे ये नंबर चेंज नहीं करना है क्योंकि ये नंबर हम चेक कर चुके हैं कि ये नंबर व्हाट्सएप में अवेलेबल है। तो आपको बस नीचे जाना है और यहाँ पे ट्राई फ्री पे क्लिक कर देना है, थोड़ा सा वेट कर लेना क्योंकि वेबसाइट कभी कभी लोडिंग लेने में टाइम लगा देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेक्स्ट पेज में हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पे आपको साइन अप करना है, और साइनअप आप गलती से भी गूगल अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट से मत करना, नीचे आप एक नया अकाउंट बनाना और यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दे रहा अपना, फर्स्ट नेम सुधीर मैथो। और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी क्या यूज़ करना है चलो मैं आपको वो बता दे रहा। यहाँ पे आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, टेम्प्रेरी वाला ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ कहीं से भी मत ले लेना, ये नहीं कि टेम्प मेल से यूज़ कर ले रहे हो। मैं आपको एक अच्छा वेबसाइट बता दे रहा, उस वेबसाइट से आप जब भी यूज़ करोगे ईमेल आईडी तो वो बिल्कुल वैलिड रहेगा और आपका अकाउंट जो है वो ईजिली क्रिएट हो जाएगा।
तो ईमेल आईडी लेने के लिए मैं अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर ले रहा, और ये सारे स्टेप मैं दो स्क्रीन में कर रहा ताकि आप लोगों को इजीली समझ आए। आप अपने एक ही स्मार्टफोन में कर सकते हो, एक ही डिवाइस में कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये वेबसाइट खोल लेना है जो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन में खोला हूँ, और इस वेबसाइट का नाम है ईमेल ऑन डेक, और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट को खोल के ईमेल आईडी ले सकते हो। तो अब आपको यहाँ से ईमेल आईडी किस तरीके से लेना है वो मैं आपको बता दे रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेबसाइट हमारे पास खुल चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे फिर कैप्चा को वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट पूछ रहा, तो मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दे रहा, और ये देख सकते हो कैप्चा वेरीफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है, और अब हमें एक ईमेल आईडी यहाँ पे मिल चुका है। तो इस ईमेल आईडी को हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं इस साइड में, andrew52@puttingpb.com। तो यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी डाल चुके हैं, अब हमें नीचे में पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड डाल लेना, और हाँ इजी सा पासवर्ड डालना जो आपको याद रहे, क्योंकि बाद में आपको ये अकाउंट जो है वो लॉगिन करना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी भी याद रखना और पासवर्ड भी याद रखना, बेटर रहेगा कि आप इन दोनों चीज़ों को लिख लो। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड फिलअप कर दे रहा, और यहाँ पे पासवर्ड फिल कर देने के बाद मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दे रहा, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा। यहाँ पे गलती से भी आप अपना इंडिया का नंबर रहने मत दीजिएगा, अगर आप इंडिया का नंबर रहने देते हैं तो शायद से आपको जो भी यूएसए नंबर है ना वो आपको अलॉट नहीं किया जाएगा, मतलब कि यूएसए नंबर आपको नहीं मिलेगा जो आपने तभी सिलेक्ट करा था। तो यहाँ पे गलती से भी इंडिया सिलेक्ट नहीं रहने दीजिएगा, यहाँ पे आपको पोलैंड सर्च करना है और पोलैंड का नंबर यूज करना है। तो अब आप पोलैंड का नंबर किस तरीके से ले सकते हो इसके बारे में मैं आपको बता रहा। तो सबसे पहले तो यहां पे आप पोलैंड सिलेक्ट कर लो, तो पोलैंड सिलेक्ट कर लेते हैं हम, और पोलैंड सेलेक्ट कर लिए हैं, और पोलैंड का यहाँ पे कंट्री कोड आप देख सकते हो +48 आ चुका है। अब आपको पोलैंड का नंबर कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बता रहा। तो पोलैंड का नंबर अगर आपको भी चाहिए, मतलब चाहिए होगा इस ट्रिप के लिए, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल में, जिसका नाम है सेकंड नंबर, और उस एप्लीकेशन का भी डाउनलोडिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा। तो उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है, वहाँ से आपको ईजिली पोलैंड का नंबर जो है वो मिल जाएगा। और यहाँ पे आप मेरा बगल में मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो, और मैं ऑलरेडी डाउनलोड करा हुआ हूँ सेकंड नंबर वाले एप्लीकेशन को। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा सेकंड नंबर वाला एप्लीकेशन है, तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा सेकंड नंबर वाला एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पे नीचे में आप जो दो नंबर देख रहे हो ना, ये दोनों नंबर पोलैंड का है, और दोनों नंबर को मैंने ले रखा है इस एप्लीकेशन में। तो जब आपको भी पोलैंड का नंबर लेना होगा, तो यहाँ पे जो योर नेक्स्ट नंबर दिख रहा ना, यहाँ पे आपको सेलेक्ट दिस नंबर पे क्लिक करना है। सेलेक्ट दिस नंबर पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो उसके बाद नीचे में जाना, तो वहाँ पे लिखा रहेगा सेव दिस नंबर, और अगर आपका सेव दिस नंबर पे क्लिक हो गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा। और अगर वहाँ पे एरर आता है तो फिर से आप बैक आना, और यहाँ पे जो आपको एरो का बटन दिख रहा होगा ना गोल सा, इस पे प्रेस करना, इस पे जैसे आप प्रेस करोगे तो नया नंबर आ जाएगा। तो नया नंबर जैसे आ जाएगा तो फिर से आप ट्राई करना सेलेक्ट दिस नंबर पे, उसके सेव दिस नंबर करना, और ट्राई करते रहना जब तक आपको एक पोलैंड का सही नंबर मिल नहीं जाता हो। जैसे सही नंबर मिल जाएगा तो वो नंबर ऑटोमेटिकली मेरे जैसा ही ऐसा, जैसा कि दो नंबर आपको यहाँ पे नीचे में दिख रहा ना, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं मेरा जो भी पोलैंड का नंबर है उसे मैं यहाँ पे फिलअप कर दे रहा, 6995451 78। और नेक्स्ट पे क्लिक करते यहाँ पे हमारा जो भी नंबर हमने डाला था उस पर एक OTP जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकंड नंबर वाले एप्लीकेशन में यहाँ पे मैसेज के साइड में यहाँ पे मैसेज हमारा आ चुका है। तो मैसेज पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोनीटेल की तरफ से जो भी वेरिफिकेशन कोड है OTP है वो हमारे पास आ चुका है। तो फिलहाल OTP को यहाँ पे फिल कर देते हैं, 808042। तो यहाँ पे हम OTP फिल कर चुके हैं, और OTP फिल करते ही आप देख सकते हो कि हमारा OTP जो है वो वेरीफाई हो चुका है। और वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पे आपका कंपनी नेम पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, अपना नाम डाल सकते हो या फिर कुछ भी नाम डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिलहाल Tech007 लिख के यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक कर दे रहा, और कंप्लीट पे क्लिक करते यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो अकाउंट है सोनीटेल में वो बन चुका है, और हमारा जो भी यूएस नंबर है वो यहाँ पे मिल चुका है, और हमारा जो यूएस नंबर है वो है +14805691564। ये हमारा यूएस नंबर, और इसी नंबर से हमें फिलहाल व्हाट्सअप अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। तो चलो मैं आपको यूएस अकाउंट क्रिएट करके भी दिखा दे रहा। तो अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा। तो हमारे यहाँ सोनीटेल का जो अकाउंट है वो पूरा कंप्लीटली बन चुका है, और हमें नंबर भी जो है वो मिल चुका है यूएसए का। तो अब आपको अपने स्मार्टफोन
में सोनीटेल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और वो एप्लीकेशन आपको इजीली प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और डाउनलोडिंग लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे आप मेरे मोबाइल स्क्रीन में आप देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन को मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रहा हूँ जो कि सोनीटेल का है, जिसमें अभी अभी हम लोगों ने अकाउंट बनाया है। तो चलो अब इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे बस हमें साइन इन पे क्लिक करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक नहीं करना क्योंकि हम लोगों ने अकाउंट अभी अभी बनाया है। तो साइन इन पे क्लिक करते हैं और साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से यहाँ पे हम लोगों से ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने ईमेल आईडी यूज़ किया था उसे फिलअप कर देते हैं और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हम बस लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो अकाउंट है वो हमारे मोबाइल स्क्रीन में भी लॉगिन हो चुका है। तो अब मैं आपको मोबाइल नंबर भी दिखा दे रहा जो हमें यूएसए का नंबर मिला हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे माय सेटिंग में क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉल सेटिंग में जाना है आपको और कॉल सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कॉलर आईडी मिलेगा। तो कॉलर आईडी में क्लिक करते हैं और यहाँ पे इनकमिंग कॉलर आईडी में क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नंबर हम हमारे लैपटॉप स्क्रीन में दिख रहा वही नंबर हमारे मोबाइल स्क्रीन में भी दिख रहा। तो जो नंबर है वो है +1480569156 और इसी नंबर से हमें फिलहाल व्हाट्सअप अकाउंट क्रिएट करना है। तो व्हाट्सअप अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है चलो मैं आपको जल्दी से क्रिएट करके बता दे रहा। तो अकाउंट हमारा यहाँ पे लॉग इन हो चुका है। तो अब हम चलते हैं व्हाट्सअप में, मिनिमाइज करके रखा हुआ है, क्रोम को बंद कर दे रहा। तो यहाँ पे हम सीधे चलते हैं व्हाट्सएप बिजनेस वाले एप्लीकेशन में और यहाँ पे अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं और हमारा जो नंबर है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिलअप करा ही हुआ है। तो यहाँ पे बस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो आप कनेक्टिंग बता रहा है, तो थोड़ा देर वेट करना है आपको और यहाँ पे बस आपको ओके पे क्लिक कर देना है अब और बस आपके नंबर पे आप OTP के लिए वेट करना है, OTP के लिए कॉल के लिए वेट करना है। तो आपको यहाँ पे जो साइड में टाइमिंग दिखता है टाइमिंग ख़त्म होने का वेट करना है। तो बस टाइमिंग ख़त्म होने वाला है 5 4 3 2 1 और यहाँ टाइमिंग ख़त्म हो चुका है, कॉल मी पे क्लिक कर देते हैं और बस कॉल मी पे क्लिक करने के बाद हमें फिर से सोनीटेल वाले एप्लीकेशन में चल जाना है क्योंकि उसी में हमें कॉल रिसीव होगा। इस एप्लीकेशन को बंद नहीं करना है, जब आप एप्लीकेशन का इस ट्रिक का यूज़ करोगे नंबर डालोगे तब इसको बंद नहीं करना है, इस एप्लीकेशन को इसे मिनिमाइज करके रखना है और जैसे ही आप कॉल मी पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन पे चला जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें जो है वो व्हाट्सएप की तरफ से कॉल रिसीव हो चुका है। तो फिलहाल इस कॉल को पिक करते हैं और यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे थे, अलाउ कर दे रहे और सुन ले रहे। तो भाई हमें कोड पता चल चुका है कि कोड व्हाट्सएप का जो भी OTP है वो आखिरकार क्या है। तो OTP को यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, OTP है 974462। उसके बाद आप देख सकते हो ये वेरीफाई ले रहा है और बस थोड़ा सा वेट करना है आपको, बस कभी कभार वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है तो थोड़ा सा वेट कर लेना है बस। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा व्हाट्सअप जो है वो बन चुका है। तो यहाँ पे आप नोट नाउ या फिर कंटिन्यू जो भी करना चाहो कर सकते हो, मैं यहाँ पे नोट नाउ कर दे रहा, अब अलाउ कर दे रहा इसको। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा व्हाट्सअप अकाउंट जो है वो बन चुका है। तो यहाँ पे आपको नाम डाल देना है, तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, मैं यहाँ पे tech007 ही रहने दे रहा, तो tech007 लिख दिया। उसके बाद बस यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो भी व्हाट्सअप अकाउंट है वो यूएसए नंबर से क्रिएट हो चुका है। तो चलो एक बार मैं किसी फ्रेंड को मैसेज भी करके दिखा दे रहा। तो यहाँ पे स्टार्ट चैट पे क्लिक कर लेते हैं साइड वाले बटन पे और यहाँ पे किसी भी फ्रेंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे चलो कपिल को मैसेज करते हैं, तो कपिल पे क्लिक कर दिए और इसे मैसेज करते हैं हाय, और यहाँ पे मैसेज उसे जा चुका है। तो अब चलो मैं आपको दिखा भी दे रहा कि ये जो नंबर है, ये जो अकाउंट बना है, ये यूएसए नंबर से ही बना है और यहाँ पे जो साइड में आपको नंबर दिख रहा जो अभी अभी हम लोगों ने यूएसए नंबर लिया था उसी नंबर से ये अकाउंट जो है वो क्रिएट हुआ है। तो चलो मैं आपको दिखा दे रहा कि ये व्हाट्सअप अकाउंट जो है वो इसी नंबर से क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे 3 डॉट में जाते हैं, उसके बाद सेटिंग में क्लिक कर देते हैं और सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे बस tech007 जो भी हमारा नाम है
व्हाट्सएप में, उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो भी व्हाट्सएप है वो इसी नंबर से, एक यूएसए नंबर से क्रिएट हुआ है और बगल वाले नंबर को भी आप मैच कर सकते हो, दोनों नंबर सेम ही है कि दोनों नंबर है 4805691564, मतलब कि दोनों नंबर जो है वो सेम ही है और ये एक यूएसए नंबर से क्रिएट करा हुआ व्हाट्सएप अकाउंट है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप लोग इजीली क्रिएट कर सकते हो व्हाट्सएप अकाउंट यूएसए नंबर से। तो भाई ये था एक ट्यूटोरियल वीडियो के किस तरीके से आप यूएसए नंबर का यूज करके व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलो एक बार शॉर्टकट में बता दे रहा कि आपको करना क्या है। तो आपको सोनीटेल के वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। इसके अलावा आप गूगल में भी सर्च करके जा सकते हो वेबसाइट में। तो वेबसाइट में जाने के बाद आपको जो भी नंबर है यूएसए का वो नंबर ले लेना है और नंबर को सबसे पहले चेक कर लेना व्हाट्सएप में जाकर कि आखिर वो नंबर जो है वो व्हाट्सएप में अवेलेबल है नहीं। तो जैसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये नंबर व्हाट्सएप में अवेलेबल है तो उस नंबर के साथ आपको कंटिन्यू करना है और जब आप कंटिन्यू करेंगे उस नंबर के साथ तो आपको जब रजिस्टर करना होगा तब आपसे ईमेल आईडी मांगा जाएगा और ईमेल आईडी आपको कहां से लेना है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि एक वेबसाइट है वहां से आपको ईमेल आईडी लेना है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करना आपको इजिली ईमेल आईडी मिल जाएगा, अकाउंट जो है वो इजिली बन जाएगा। इसके बाद आपसे नंबर मांगा जाएगा तो इंडिया का नंबर गलती से भी यूज मत करना वरना आपको जो भी यूएसए का नंबर है वो नहीं मिलेगा। तो जो भी नंबर यूज करना है आपको वेबसाइट में रजिस्टर करने के लिए तब आप पे पोलैंड का नंबर यूज करना। पोलैंड का नंबर आपको कहां से लेना है? पोलैंड का नंबर मिलेगा आपको सेकंड नंबर नाम का एक एप्लीकेशन है वहां से और उस एप्लीकेशन का भी डाउनलोडिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इजीली पोलैंड का नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो भी अकाउंट है सोनीटेल में वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, मतलब कि वो अकाउंट जो है वो कंप्लीटली बन जाएगा। अब आपको सोनीटेल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर में, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां पे क्लिक करोगे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अब सोनीटेल का एप्लीकेशन को ओपन करना, उसमें जो भी सोनीटेल का अकाउंट आपने बनाया है उसे लॉगिन करना, उसके बाद जो भी यूएसए नंबर मिला है आपको वो यूएसए नंबर फिलअप करना आप व्हाट्सएप में, उसके बाद आपका जो भी कॉल है वो आपको रिसीव होगा सोनीटेल के एप्लीकेशन में, कॉल रिसीव करना, ओटीपी डाल देना व्हाट्सएप में, आपका जो भी यूएसए नंबर है उस यूएसए नंबर से आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो बस भाई फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके पूछना अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, साथ ही नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।